few moments later. चल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर नजारा. छुट्टी जल्दी गर्मी, छुट्टी जल्दी गर्मी का मौसम आया. हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज का इस वीडियो होने वाला है हेलमेट एसी के ऊपर. तो हाँ, आपने सही सुना, हेलमेट एसी के ऊपर. एक प्रोडक्ट है ब्लू आर्मर की तरफ से, फैन टाइप कूलिंग एसी है जो आपको हेलमेट में लगाना है. बाय करने के लिए जो लिंक है, जो कूपन कोड है, वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस कूपन कोड से. मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी, आज कम से कम है 35 डिग्री सेल्सियस तक, कभी कभी 40 भी पहुंच जाता है. राइड कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट जब भी ट्रैफिक में आप अटक जाते हो तो हेलमेट के अंदर जो गर्मी होती है उससे मतलब बढ़कर कोई नहीं, और एकदम फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है. अभी इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. सो गाइस, ये जो ब्लू आर्मर का हेलमेट है, इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं. अनबॉक्स करने से पहले यहाँ के जो भी स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो सबसे पहला है स्नैप एंड गो. इजीली 30 सेकंड्स में जो है वो आप कोई भी हेलमेट में इंस्टॉल कर सकते हो. 10 आवर्स तक का इसका बैटरी लाइफ है. जो फैन है अंदर उसका बैटरी लाइफ 10 आवर्स तक का है. पर्सनलाइज कूलिंग, जो बाहर का टेम्परेचर है उससे कम 6-15 डिग्री आपको हेलमेट के अंदर टेम्परेचर मिलेगा. वाटर बेस्ड कूलिंग, तो कूल करने के लिए सिर्फ वाटर का ही यूज होता है, जो एकदम सेफ और नेचुरल है. यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्ट्रैप्स अवेलेबल है, मतलब आप कोई भी स्ट्रैप्स चाहिए तो परचेज कर सकते हो. तो खोलने के बाद आपको थोड़े स्टिकर्स मिल जाते हैं. उसके बाद यहाँ पे एक एयर फिल्टर. उसके बाद है अपना मेन यूनिट, आपको मिल जाते हैं थोड़े वेलक्रो. ये वेलक्रो हेलमेट में लगाने के लिए, अगर आपको मतलब ये जो एसी है वो हेलमेट में आपको फिक्स ही करना है तो इसमें वेलक्रो दिए हुए, डबल साइडेड वेलक्रो है, वो आप इजीली हेलमेट में अटैच करके फिक्स कर सकते हैं. यहाँ से मैं पहले खोल देता हूँ, इसका जो कवरिंग है यहाँ से खोल देता हूँ. तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एयर फिल्टर लगता है, सिर्फ इसको जस्ट पुल आउट करना है तो एयर फिल्टर निकल जाएगा. तो दो दो एयर फिल्टर है. यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी दिया हुआ है और यहाँ पे बटन है ऑन करने के लिए. तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कितना चार्ज बचा हुआ है. इसमें कुछ चार पॉइंट्स दिए हुए, मतलब अभी 2 पॉइंट चार्जिंग है इसमें. यहाँ पे इसके लिए एक छोटा सा होल दिया हुआ है पानी डालने के लिए. एक छोटा सा टैंक दिया हुआ है जिसमें वाटर फिलअप होता है और वो जो सर्कुलेट होते रहता है. और ऑन करके आपको बता देता हूँ कि कैसा ऑन होता है. एकदम हल्का सा आपको नॉइज सुनाई देगा फैन का, तो आप सुन सकते हो हल्का सा साउंड है फैन का. और ये यहाँ पे ग्रिल दिया हुआ है, इसके अंदर फैन लोकेटेड है, तो फैन भी आप देख सकते हो. तो मैं बताता हूँ, कोई भी छोटे बॉटल से आराम आराम से आप वाटर फील कीजिए. आप नीचे नोजल भी देख सकते हो, नोजल को वाटर फिलअप करने का थोड़ा खोलिए ताकि ये वाटर अच्छे से इसमें सर्कुलेट हो जाए. इसमें थोड़े एयर बबल्स बन जाते हैं, लेकिन इसको हल्का सा टैप कीजिए इससे तो क्या वाटर इजीली इसके अंदर इजीली चले जाए, क्योंकि ये होल बहुत छोटा सा है इसीलिए थोड़ा वाटर डालने में दिक्कत आ सकती है. यहाँ पे आप देख सकते हो गैस पानी पूरा भर चुका है, इसके जो गैलरीज है उसमें पानी भर चुका है. और यहाँ पे इसका जो स्पंज है, ये स्पंज ये वाटर को सोखता है. ओपन का नॉब दिया हुआ है, एक क्लोज का नॉब दिया हुआ है. तो अभी ये जो नॉब है वो क्लोज्ड है, मतलब वाटर इसके अंदर से सर्कुलेट नहीं कर रहा है. तो ओपन करने के लिए ये थोड़ा आप खोल लीजिए, तो अभी ये खुल गया है और ये अभी ओपन है. ओपन करने से आपको सिर्फ बटन क्लिक करना है और ओपन करना है नीचे से, और ये वाटर अच्छे से अंदर जो है पूरा सर्कुलेट करे. सिलिकॉन के थोड़े लाइन भी दिए हुए हैं ये जो स्ट्रैप है उसमें, ताकि ये हेलमेट में जो है अच्छा ग्रिप पकड़ सके. फटाक से माउंट करते थे, माउंट करना बहुत ही ज्यादा इजी है. सिर्फ आपको ये जगह पे रखना है और हेलमेट को जस्ट प्रेस करना है अंदर, और इसके जो पीछे का स्ट्रैप है बस पीछे लगा देना है. माउंटिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी है. तो ये अभी एकदम प्रॉपरली माउंट हो चुका है. नीचे से भी आप देख सकते हो इसका जो वेंट्स है वो यहाँ पे लगा हुआ है नीचे. ओके, तो मैंने अभी इसको स्टार्ट कर दिया और ये अच्छा खासा कूलिंग भी दे रहा है. टेस्ट, रियल टेस्ट करने के लिए हम लोग इधर तो रियल टेस्ट नहीं हो सकता इसका, जो ट्रैफिक में है ट्रैफिक में ही रियल टेस्ट होगा. क्योंकि नॉर्मल अपन जब भी बाइक चलाते हैं तभी इसका जरूरत नहीं होगा इतना, बट ट्रैफिक में बहुत ज्यादा इसका जरूरत पड़ने वाला है. कूलिंग इसका जो है बहुत ज्यादा अच्छा है. अभी जस्ट मैंने थोड़ा टेस्ट किया है, ट्रैफिक में मेरे को लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्म करेगा. सबसे पहले हम लोग इसको एक लेके जाते हैं ट्रैफिक टेस्ट में, तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा कहाँ होगा वो तो पता नहीं, अभी मेरे को गूगल मैप से चेक करना पड़ेगा. मुंबई में एक बात अच्छा है कि ट्रैफिक आपको कहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है मुंबई में. ट्रैफिक और एक गर्मी, दोनों चीज कॉमन है. तो मैं कैमरा है उसको मैंने माउंट किया हुआ है अपने हैंडल बार में, तो हैंडल बार में मैंने माउंट करके यूज कर रहा हूँ. तो एसी भी स्टार्ट कर देता हूँ मैं भी. ओके, तो अभी स्टार्ट कर दिया है. ऊपर से मैंने अपना राइडिंग जैकेट भी पहन लिया हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा कि राइडिंग जैकेट भी पहन लेता हूँ ताकि पता चलेगा हाँ कि गर्मी असली में हो रहा है या नहीं हो रहा है. बात गाइस, जिसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ उसका जो डिटेल्स है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा. गिव अवे का जितना भी डिटेल्स, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है बट अभी आगे जाते रहेंगे अपन, तो ट्रैफिक तो मिलते रहेगा बहुत खतरनाक. तो थोड़ा
थोड़ा बहुत ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से पूरा ट्रैफिक ही रहेगा। मलाड साइड है इसलिए पूरा ट्रैफिक ही रहता है हमेशा इधर, तो आप देख सकते हो यहाँ से गाइस जो अभी टेम्परेचर है वो देख सकते हो आप यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है अभी तक। तो 35 डिग्री सेल्सियस अंदर मेरे को कुछ 30 के अंदर ही लग रहा है, क्योंकि अंदर एकदम चिल्ड है, अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। बैटरी टाइम के बारे में बात करते हैं तो बैटरी है इसका 10 आवर्स का, बहुत ही ज़्यादा बैटरी टाइम है, क्योंकि 10 घंटे तक कोई बाइक नहीं चलाएगा ट्रैफिक में। अगर आप ऑफिस से भी आ रहे हो तो 1-2 घंटा ट्रैफिक रहेगा बस, 1-2 घंटा या 3 घंटा ऑफिस से आ रहे हो या ऑफिस के आते टाइम बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलता है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। इधर तो इतना धूल मट्टी है, डस्ट है नीचे, फिर उधर से वो ट्रक है उसमें से काला काला धुआं निकल रहा है, अगर आपने लिड खोला तो ख़त्म। क्या जो एयर फ्लो है ज़्यादा भी नहीं रखा है इन लोग ने, एयर फ्लो चाहिए तो इन लोग ज़्यादा रख सकते थे, बट ऐसा क्या होता है कि जब भी आप एयर फ्लो ज़्यादा रखोगे आँख में आपका एयर फ्लो मारेगा, फिर आपको डिस्टर्बेंस होगा। एयर फ्लो भी एकदम प्रॉपर है, चिल्ड वाटर भी डाल सकते हो एकदम फास्ट एक्शन के लिए, ये मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने एकदम चिल्ड वाटर डाल के देखा था, क्योंकि घर पर आप जैसे कूलर यूज़ करते हो सेम वैसा ही सिस्टम है इसमें, बहुत मतलब बहुत अच्छा कूलिंग देता है ये चिल्ड वाटर से, मतलब फास्ट देता है, ऐसे भी फास्ट है बट चिल्ड वाटर और ज़्यादा फास्ट देगा। KTM ड्यूक 200 का इंजन जो है वो फटे हीट हो चुका है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं कैसे कंडीशन में अपनी बाइक चला रहा हूँ, कितने सारी ट्रैफिक है, ये पूरा रोड जो है पूरा ब्लॉक रहता है हमेशा। और इधर मैंने माउंट किया हुआ अपना एक्शन कैमरा, और जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अभी तक, मतलब कूल लग रहा है। नीचे से जो है मेरा पैंट एकदम जलने जैसा हो गया, क्योंकि ड्यूक 200 है बहुत गर्म होती है, बट मेरा जो कंडीशन है वो एकदम ज़्यादा कूल है, वो अभी मैं लिड बंद कर देता हूँ तो एकदम चिल लगता है मेरे को हेलमेट के अंदर। हमको क्या, हमने एसी लगाया हुआ है, तो ये फिल्टर मैंने अभी जस्ट निकाला हुआ है, तो ये फिल्टर ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट पूरा ऐसा लगता है, तो यहाँ से जो है पूरा डस्ट लगता है इस पर, तो एज यू कैन सी थोड़ा अमाउंट ऑफ जो है यहाँ पे सेटल हो चुका है, तो ये आप धोके निकाल सकते हो, इसका कुछ टेंशन नहीं है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, इट डिड अ गुड जॉब, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मेरे को तो लगता है कि ये मस्ट प्रोडक्ट है अगर आप ये गर्मी में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अभी गर्मियों का भी टाइम है। अभी के बाद गाइस ये जो एसी है उसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ, गिव अवे के लिए आपको सिर्फ इतने ही रूल्स हैं, सिर्फ एक ही कमेंट करना है कि आपको ये एसी कैसा लगा, और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है suraj_jhampa66, वहाँ पे मैं जो विनर है उसको अनाउंस कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। अगर आपको ये गिव अवे का कुछ भी रूल्स मैंने बताया हुआ समझ रहा नहीं रहेगा तो कमेंट जाके चेक कर दो, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया हुआ है कमेंट की गिव अवे में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच यू लव टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, और हाँ गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करना।